यहाँ ये रसोई रही, तो ड्राइंग रूम का लुक किस तरह होगा? एक नंबर का देखो, जैसे फिल्मा हो आगरा। मेरी मम्मी लाइट लुइट सागा दिखाओ जो कट तो ईरे मोती जड़ रहे हैं अंदर। ओ भाई साहब, इससे ना चढ़ा दी मैं तो कदे भी ना कर पाऊं। राम राम जी, पवार फैमिली व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है और एक नए व्लॉग के साथ हम फिर आ गए। हां आई होप भाई आप सब ठीक होगी, भगवान ते आई दुआ है सब गति बेहतर ते बेहतर और अच्छे ते अच्छे, स्वस्थ ते स्वस्थ रहे। अरे भाई पिछले व्लॉग में जा रहे थे मार्केट में तो आपने देखा होगा कि के सामान ले गए, तो मैं है ना जो वे स्लीपर ले गई थी ना भाई, आज इतना दुख हुआ मने। आज मैं पहली बार पहन का उन कॉलेज में गई, कॉलेज में नू लगा लो मैं अपनी गली में तैयार तो नू निकल गया, नू टर्न लिया था इतने में एक तो मेरे पैर भड़कन लग गए हैं और मेरे पैर में जुत्ती वे चप्पल स्लीपर लागन लग गए। मखाई वाग बहुत लंबा सफ़र है, मैं फिर भी पीछे मुड़ के नहीं देखा मैंने, मैं चलती गई। फिर मैं कॉलेज में पहुंच गई, चलो कॉलेज में भी ठीक। फिर घर आई ना भाई साहब, पैरों पे चाले हो रहे हैं, ये बड़े मेरे स्लीपर और मेरे पैरों पे हो गए छाले। और जबकि भाई मैंने उस दुकानदार से नु कहा था कि इन छाले तो नहीं हो जाएंगे, बोला देखो मैं दिखाती हूँ आपको दुकानदारी, बोला देखो मैम कितना सॉफ्ट है, ये देखिए कितना सॉफ्ट है, ऐसे कैसे छाले हो जाएंगे। मैंने उन्हें कहा था उससे मखा या सीधो तो नहीं गई अंकल, बोला ना देखो कितना सॉफ्ट है, कैसे सीध जाएगी गुड़िया, कंपनी का माल है, ऐसे थोड़ी देंगे। आप एक लेकर जाओगे आपके ग्रुप की फ्रेंड कहेंगी कि हमें भी चाहिए, चार और लेना होंगी, या मेरी गारंटी मखा चलो भाई इतना दावा कर रहे हैं तो क्यों ना स्लीपर खरीद लिए जावें। पर धोखा दे दिया, ये भी ना वापस रिटर्न भी ना कर सकते बिकॉज एक दिन पैर लिए हैं, तो ये मेरे पैसे वेस्ट हो गए, क्या करा जाए। कमेंट करके जरूर बताइए, मैंने आप सबकी वो लेनी थी राय, क्या राय है ऐसे ऐसे स्लीपरों के साथ क्या किया जाए। और मैं है ना जस्ट ये स्लीपर नू लेकर आई थी बिकॉज हमारे कॉलेज में मतलब जो भी कॉलेज गोइंग लड़की है ना मैक्सिमम इसे स्लीपर्स पहने हैं, स्लीपर शूज़ इस तरीके के पहने हैं, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक बिकॉज मैंने ये दूसरे के पैर में अच्छा लगे, अगर मैंने कभी तभी फील हुआ जो कर ये सीध देंगे मेरा ना क्यूकर पैर ले मैंने लड़की, मेरी स्किन इतनी सॉफ्ट है कि थोड़ा सैंडल लागती है इसमें पल में हो जाए। तो आप सब अपनी राय देना कि ये सच में इसे हुए हैं कि ये हरे कैसे दें या फिर कम्फर्टेबल भी हुए हैं। बाकी नीचे तो जो इनका वो देखा जावे ना जित पैर रखे हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और कंफर्टेबल है, पर ऊपर की जो वो है ना वह से दवाई दोनों उंगली साइड वाली उंगलियाँ पर फिर भी हो रहे हैं, और जो इसका ये ऊपर का नहीं है याड़े का कति निशान बना रखा है। और शाम का टाइम है जस्ट भाई तैयार त्यूर होकर ऊपर आए थे वीडियो बनाने, देख लू चुगड़े का माहौल दिखा दो। अरे भाई आज के व्लॉग में आप सबकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, बहुत डिमांड आ रही थी कि अपने नए घर का टूर कराओ। पुराने घर का टूर तो आपने मतलब जब हमने सामान उठाया था जब भी देखा हुआ जब भी कराया था, पर नए घर की डिमांड आ रही थी तो आज हमने सोचा है क्यों ना आप सब ने अपने घर का टूर करा दे, करावा कि नहीं कराऊँ मम्मी करवा दे, आज वही घर का टूर करावाँगे आप सब ने। तो कैमरामैन जल्दी फोकस कराओ, प्रवेश पवार अंतिल के साथ नीति पवार। सबसे पहले शुरू करा भाई, तो यह है अपनी पार्किंग देखो जिसमें कि निशांत गाड़ी पार्क करेगा। आओ भाई पार्क करनी रोज करे है, दो बार करी है, बाहर खड़ी है भाई गाड़ी, ये ले आओ भाई बड़ा होगा कितने देखा है किसी पार्किंग कर घर पापा आ गए भाई, पापा दूर ले गए हैं आज इसकी पार्किंग है, देखेंगे किसी पार्किंग करा है वो कितनी देर में करेगा। अरे ओ भाई रात में व्यू देख लो, दिख नहीं रहा वो बेचारा घर, वो लाइट नहीं चल रही है इसमें। ओ भाई साहब इससे ना चढ़ा दी मैं तो कदे भी ना कर पाऊँ, बैक कर दे भाई और भी। बैक ले ले बैक, हाँ हो तो गई पार्क ये भाई गाड़ी पार्क,
निकलिए इस गाड़ी से निकलिए या शीशा भी चढ़ा दे। आ जाइए अब चलते हैं, ये हमारी स्कूटी, अब चलते हैं ऊपर। लाइट चला लेते हैं। ये है हमारी स्टेयर्स जिससे हम जाएंगे सेकंड फ्लोर पर। देखते हैं हमारी मम्मी और पापा दोनों क्या कर रहे हैं। दरवाजा तो हम खोल कर गए थे। ओह माय गॉड, ये है हमारा ड्राइंग रूम और यहाँ से ये है बालकनी। यो बालकनी तो नज़ारा इस टाइम। आज मैंने क्या पुशअप मारे होंगे नहीं थी। तने पुशअप तने भाई दो। सही से बता दे। हाँ सही में दो। मैक्सिमम मैक्सिमम ढाई। डेढ़ सौ। डेढ़ सौ। और बेश। बेश क्या है? फिर मैं दो कहूँ थी ना, 200 कहूँ थी मैं, तू समझा नहीं। बस 150 पुशअप मार कर ये नू हो रहे हैं। कहाँ के पहलवान बनोगे? दो बार ही। फिर तू तो होते तो नारी बात है भाई। यो है अपना ड्राइंग रूम जहाँ निशांत क्या करते हो तुम? आराम। बिकॉज ये सारे दिन आराम ही कर रहे हैं, है ना? और ये हमारी मामी और ये कर रही है काम। दूध गर्म कर रही हूँ, आटा लगा दिया है, सांझ का टाइम है भाई। क्या बना रहे हो? मैं बना रही हूँ सब्जी रोटी। बस दोपहर तड़की बनाई थी कड्डी और रोटी, और दोपहर बनाई फिर कड्डी बच रही थी चावल, अरे फिर रोटियाँ की तैयारी चल रही है। कड्डी चावल मतलब दोपहर है कड्डी चावल हो गए, कड्डी चोखी बना दी थी मैंने तो इन्हें खा ली थी 3-4 बजे के बीच में। दोपहर कड्डी चावल, अरे फिर रोटी चल रही है। शाम में खाने की तैयारी चल रही है। अरे यो अपना पूरा किचन का व्यू। अरे अपनी मशीन बाजोई आप सबने देखी होगी, कैंगन मशीन ये ऑफ है। और आइए दिखा दूँ इसके सारे सारे फीचर। 9 पॉइंट यो है, 9.5 का पीएच यो मतलब वाटर, 9.5 पीएच का। देखो ऐसे बोल लगी अगर पावर से करेंगे तो। ये 9.5 पीएच का वाटर, ये 9 पीएच का, यो 8.5 का। यो कोई भी बेबी वगैरह थी या फिर ये न्यूट्रल वाटर है। यो है केयर वाला ब्यूटी वाटर, यो क्लीन वाटर भाई, न्यूट्रल वाला। स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर, स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर आओगा भाई 2.5 का। जो एसिडिक वाटर आओगा वो आओगा इसमें पे, और जो आओगा बेसिक वो आओगा यहाँ पे क्लीन लाइक। और ये कर दी है मम्मी ने बंद, क्योंकि पानी की जरूरत नहीं है वैसे। पानी की जरूरत नहीं है यार भाई, या मशीन बहुत सारी बीमारियां ते लड़े है, बहुत सारी बीमारियां ते लड़े है। और जल ही जीवन है क्या सुना है आप सबने भी सुना होगा, हमने भी बचपन से सुना है ना कि भोजन, किसी ने नहीं कहा भी भोजन ही जीवन है। जल को ही जीवन क्यों माना गया? क्योंकि जल ही हमारे शरीर में, जल आधे से भी ज्यादा मतलब 75% है ना जल है, उसका कारण है जल ही जीवन है। तो जल स्वस्थ तो जल स्वस्थ, तो इसमें बहुत बढ़िया पानी झरने के, जिस तरह झरने भाई नरी गोली ले आप, एसिडिटी बीपी शुगर और क्या करा के खेगी सारे रोग दफा हो जाए जस्ट एक पानी पानी तो। बिकॉज इसने कहा है झरने की तरह फ्रेश हो। और आप सब दिखाओगे भाई, वो मैं टेबल पे इसके पापा की रिपोर्ट पड़ी है, उसको पथरी थी 15 दिन के। मैं दिखा देती हूँ वो रिपोर्ट, मैंने अलमारी में रख दी है। कल लाई बहन भाई मैं रिपोर्ट, इसमें तारीख देख लो, या तारीख सबसे पहले रिपोर्ट है या दूसरी रिपोर्ट है या और तीसरी रिपोर्ट है या पहली रिपोर्ट के अंदर मैं दिखाती हूँ आप सबको। ये देख रहे हो आप, ये लिख रहा है राइट किडनी में है ना जो स्टोन है वो 6 मिलीमीटर का है राइट किडनी में, या जबकि रिपोर्ट जब तक हमने कैंगन पानी पीना शुरू नहीं करा था, या भी जबकि रिपोर्ट है जब तक हमने कैंगन पानी पीना शुरू नहीं करा था, मतलब कदे कदे नू लगा लो कई कई दिन छोड़ गए इस तरीके से पानी पीवा थे 15 दिन होए होंगे, तो यो 6-4 मिलीमीटर के बीच दिखा रखी है। और जब हमने मशीन लगवा ली और 15 दिन के
रिजल्ट्स देखे उसके बाद या रिपोर्ट करवाई पापा ने थोड़े दिन पहला, तारीख देख रहे हो 30 तारीख ने। तो इसमें भाई राइट किडनी में जो स्टोन था उसका साइज कम हो गया, 3.9 मिलीमीटर हो गया जस्ट 15 दिन के अंदर। और जिसमें कि पापा ड्यूटी पे भी रहे हैं, ड्यूटी पे पानी लेकर तो जाना है, पर फिर भी दो तरह का पानी हुआ इसमें जुगर पीने का। एक तो एसिड वाटर बोले जिसने खाली पेट पिया जा आधा कप, उससे किसी भी का खट्टी डकार जलन वगैरह हुआ ना, जैसे भी भाई 30-35 साल की उम्र तो पाचन तकरीबन होने लग गए, तो सब गए पहले भी होने लग गया, उसके लिए वो पानी है वो आधा कप पीना सुबह खाली पेट। और यो वाटर जो कतिया अगर निकाल कर पियेंगे ना फ्रेश 30 सेकंड के भीतर उसका बहुत डबल असर होगा पानी। अरे भाई आप सबने रिपोर्ट तो देखे भी हैं पापा की, तो ये बात सबने बता देना। आप सबके मैंने कई सारे ऐसे इंसान मिले जो जस्ट मेरे तक पूछे हैं भैया मशीन के बारे में बता दो, बिकॉज हमने भी अच्छी लगी तो हमने इसके बारे में और जानना है, इसके और ज्यादा डिटेल्स चाहिए हैं। तो भाई आप सबके दिमाग में भी क्वेश्चन सी क्वेरीज चल रही होंगी, तो हम आपने बता देना हमारी खुद की टीम आपके घर पर आएगी, डेमो देख जाओगी जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके सारे बेनिफिट्स बता के जाओगी भाई। हाँ ये आपका लगवानी ना लगवानी आपके अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं जो भी डाउट्स हैं वे सारे क्लियर करके जाओगी, आपके घर स्पेशल आओगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं रहेगा, जस्ट डेमो देगी और वह चली जाओगी भाई। तो अगर आपने किसी ने भी डेमो चाहिए है, आपने घर पर टीम बुलानी है कि हाँ भाई इंटरेस्टेड हो, बीमारी है किसी का या फिर कोई भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए है, तो मैं नीचे एक नंबर डाल रही हूँ, आप उसके ऊपर कॉल करके पूछ सको हो भाई, डेमो तक पूछ सको हो और वो कॉल आपकी जरूर जरूर रिसीव होगी। हाँ तो जिसने भी इस मशीन का डेमो चाहिए है या फिर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है आपकी, तो नीचे दिए गए नंबर पर एक बार कॉल जरूर करके पूछे क्या पता आपका फ्यूचर चेंज होगा, जो आपकी बीमारी है जिस बीमारी का आप हमेशा परेशान रहो, मतलब इंसान जब तक फिट नहीं रहता ना भाई, मैं तो कहूँगी अगर मेरे एक उंगली पे भी चोट लाग जावे ना तो मैं उस टाइम को कह जाऊंगी हाँ ये चोट लागी इस उड़े जाए सारे दिन उड़े ध्यान रहेगा, पर अगर शरीर के अंदर भी कुछ भी कमी आ जावे ना तो भाई सिस्टम हैंग हो जावे है। तो मैं आप सबने सजेस्ट करूंगी भाई जरूर पानी पी के देखो, और आजकल तो डॉक्टर भी सजेस्ट करने लग गए हैं इस वाटर ने, कहेंगे एल्कलाइन वाटर लो। हाँ और भाई मैं बता दूँ जस्ट इसकी एक बोतल 1 लीटर या 2 लीटर की 700 रुपये की बिक है मार्केट में, तो इतना लोग प्रेफर भी कर रहे हैं वो बोतल लेना, तो मैं आपको कहूँगी कोई फ्रेश बिल्कुल फ्रेश लो, कोई भी बीमार हो जाए डॉक्टर वैसे भी तो 1-2 लाख में छोटी तो छोटी बीमारी में भी 1-2 लाख में पैंडा नहीं छोड़ता पेशेंट का, तो अपना स्वस्थ रहो मस्त रहो। अरे भाई घने सारे इंसान हैं बीपी की गोली खावे डेली की, वो है कि अब 400 रुपये की डेली की गोली लेगा, 200 रुपये की 250 रुपये की डेली की गोली आवे हैं, तो भाई उन तक भी सजेस्ट करूँगी क्यों ना भाई 200-250 रुपये आप अपनी ज़िंदगी तक डाल दो, क्यों नहीं मशीन इस मशीन का पानी पियो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो नीचे जो नंबर है उसके ऊपर आप कॉल करके पूछ सको भाई, इसका डेमो ले सको हो, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई चार्जेस नहीं लिए जाओगे, कोई पैसा नहीं लिया जाओगा आप तक, तो एक बार मैं आपको सजेस्ट करूँगी जरूर जरूर डेमो ले। यो भाई अपना प्ले बटन सिल्वर प्ले बटन, इसमें आप मुझे भी देख पा रहे होंगे, एंड ये देखिए अरे भाई पूरी तरीके से घर डेकोरेट नहीं होया है, सब्जी की क्या चटनी कुटन की तैयारी पकड़ रहे हो पकड़े गए ना, मैंने सोचा देख एक दो दो रोटी खाओगे 3-4 बजे चावल खा रहे हो टमाटर पकड़ा गया आपका, इस तरह पका कर इसका पापड़ तार कर सिर्फ चटनी बनाएगा बहुत बढ़िया है, हाँ मम्मी आपको लगेगी बहुत मेहनत कम लगती है इसके अंदर सही नहीं बदल गया। तो भाई एक यो रूम है, एक यो रूम है जिसके अंदर पापा रेस्ट कर रहे हैं, याड़े भी एक वॉशरूम है आप मैंने देख सको हो, और इस साइड जो पिछली साइड है उड़ा भी वॉशरूम है, ये दो रूम है यालो भी और वो अपना ड्राइंग रूम, और ये हमारी मम्मी जो कि हमें चटनी देती है खिलाती है चटनी खिलाती है, तभी तो लोग बोलते हैं तुम्हें कुछ लगता नहीं है तुम बहुत कमजोर हो, ये है चटनी खा खा के इंसान ऐसा ही हो जाता है। लाल ना होई सही तू लाल ना होई पर मैं मजाक कर रही हूँ मजाक।
हमें कुछ नहीं लगता। भाई टमाटर की चटनी मैं बनाया ही हूँ, सच्ची बताऊँ तो मुझे पसंद है, दीदी के पापा ने भी पसंद है। नूंगा सब्जी सब्जी सारी आना सब्जी ना बनाया कर। सब्जी सब्जी तो याद आया, धोले बैंगन दिखाइयो कल जोन से लिए थे। धोले बैंगन दिखाओ भाई, कल सब्जी वाला रहा था तो मेरी मम्मी ने लिए हैं धोले बैंगन। यूनिक सब्जी लिए है, यूनिक सब्जी। मैं तो ऊपर तो आई है, मैंने देखा मुझे यो की वाइट वाइट सर क्या है, फिर देखा होती है मुड़े ऐसी लग गए ये जो छोटी धोले बैंगन देख लो भाई। मोटे बैंगन खिलाया करो, मोटे हो जावांगे। अच्छा गोरे चिट्टे बोल रहे हो क्या, फिर ठीक है। टेक एवरीथिंग पॉजिटिव गाइस, टेक एवरीथिंग पॉजिटिव। नजर हटाते ही दुर्घटना घट जाती है। और भाई सही गवन है, गैस इतनी तेज चल रहे हैं आजकल, कितनी स्पीड से दूध आवे है। नू लगा लो याड़ा के बंद कर देंगे ना, तो याड़ा कर क्या है दूध ना ना जब की देखो मुझे दूध एक बार नू लगाई नहीं दूध ऊपर आया नहीं यो दूध का पूरा पक्का आज मैं कमरे में रखता हूं। चलो यो है बेडरूम, लाइट चला लो, लाइट टॉर्च चला लो, सारी चला लो, घर चला लो। ये है हमारी एलईडी जो हम बहुत कम चला रहे हैं, बहुत कम चले भैया, मोबाइल ने इसकी जगह ले ली है। अब बस नो लगा लो टीवी तो खाना खुना। एक बाथरूम यो है, खाते वक्त ही चले है। एक वॉशरूम वॉशरूम का भी मैं क्या ही दिखाऊंगा आपको, देख लो पर फिर भी देख लो। मेरी मम्मी लाइट लूज जाकर दिखाओ जो कट तो इरे मोती जड़ रहे हैं अंदर। नहीं दिखे मारे नहीं खोल के मत दिखाओ, और नहीं मारे को गौर से देख इस उथले पुथले कपड़े को देख। ये हम काट देंगे, ये सीन काट दिया जाएगा, इसके उथले पुथले कपड़ों को देखो, ये देखो ये सीन हम काट देंगे। हाँ ये दिखाओ, मैं मेरी मम्मी की दिखाऊ। ये देखो देखो कितनी क्यूट तरीके से यो बस लगड़ता है, देख कितनी क्यूट तरीके से जचा कर रख रखे हैं मैंने। भाई मेरी मम्मी के अलमारी में याड़े भी हैंगर हैं, मुड़े भी हैंगर थे, मेरे को ऐसी अलमारी देते हैं जिसमें हैंगर नहीं होते हैं। भाई मैं इसके तो छोटे छोटे तो वे जबले हैं मतलब टॉप है, उन्हें कितना हैंगर पर टांग मैंने मेरा एक एक दो टांग दिए ना दो टॉप तेरे एक हैंगर पे एक ना तारेगी दूसरे नु गिरेगी, मैं इसलिए तेरे हैंगर पे नहीं टांगती, यही कारण है। तो दूसरा बेडरूम में चल गया हम, जिसे हम बेडरूम कहेंगे या फिर खाट रूम, स्टोर रूम, खाट रूम हमारा तो स्टोर रूम हो रहा है, खाट रूम भी कह सके हैं। यो भाई वो नीति का मैंने तैयार कर दिया है, जब यह पहले की जब देखेगी वो वाला जो पिछले व्लॉग में दिखाया था ना भाई, बावन कली, बावन कली वाला इसमें इतना वजन है। निधि पे घूमा भी नहीं गया था, निधि ने वीडियो बना रखी दो तीन तीन चार मैं थक गई थी अभी वीडियो वीडियो में, कई किलो वजन है इसमें जो नीति ने डाली थी वे सारी सारी की सारी ज्वेलरी है भाई। ये नीति देख वो लगा कर दिखा, दिखा ये गलसरी, इसी इसी गलसरी मेरी माँ दो रही थी, मेरे दर्द है नहीं, मेरी सासू ने मैं डाली मेरे दर्द। देखा मेरी माँ की कितनी शेवी थी गलसरी, आप दो रही तो इसी थी, मेरे दर्द कड़ा है जन मैंने देखी हो। वाह गम मचा था बड़ो लिए देखी तने बिरानी देखी है मैंने, आप दो रही बाकी इतना नकली लागे सब पैर में सीवे आ गए नकली ऐसे ही रहा, आराम तो काटो ये टूट जाएगा। बिल्कुल रासा खुल ना पीछे थे, मैंने सोची खुल गया। ये और भी ज्वेलरी भाई के बोले चांदी की है, इसी सी अम्मा ने अपनी दादी द्वारा देखी थी, जो कुछ ठेल हुआ थी प्योर निगर चांदी की, बहुत वजन होया करता है, तो ये उसी है आर्टिफिशियल थोड़ी अंदर तागड़ी जो दामन के ऊपर डाल ली जा छन छन बोल नु बोल मेरी तागड़ी
बोला ना छन छन है बाकी मैं तामन पहन लूं मैं रिमोट ही लाऊं बस एक सूट के अलावा और सारी चीजें मोटी लागू हां मैं मोटी लागू इसलिए मैं तामन कम बाकी अच्छा लागे है पर मैं कम पहन लूं एक बाथरूम यो है यो पूरा बड़ा बाथरूम है वहां तक लेके वहां तक पूरा बड़ा है हम ज्यादातर यो बाथरूम यूज करें वो कम यूज करें और बेडरूम वाला थोड़ा कम ये करें ड्रेसिंग टेबल में वहाँ मेरे कपड़े थे अरमी दी के कपड़े थे यहाँ है निशांत के पापा के और निशांत के कपड़े इसमें ये देखो भाई ये निधि का टेडी बियर है और ये पूरा जो ड्राइंग रूम का लुक है इस तरह था जैसे हम यहाँ रसोई में अगर मैं रसोई में खड़ी हूँ यहाँ ये रसोई रही तो ड्राइंग रूम का लुक इस तरह होगा एक नंबर का देखो जैसे फिल्म हम हो आकर अच्छा ये निधि वाले अच्छा सुन लो भाई ये पर्दे हैं मैंने इस तरह के नू बांध रखे इनका डिजाइन मैंने खुद बनाया है ये थोड़े बड्डे थे मेरे इसके हिसाब से बाकी पर्दे कम में यूज करा है हम भाई मैं आप सुन आप ने बता दूं मैं हुक्का पी रहा हूं ये रहा हमारा हुक्का नकली हुक्का ले रही है स्मार्ट की तरह मजाक करूं भाई यार याड़ा हक दरी जा डेकोरेशन है डेकोरेशन टूटी और कई दिन हो गए इस ये नीचे पड़ा दहाड़ दरिया और नीचे पड़ा मैंने बोली चल हम कौन ले गए इसकी बरन खातर वो हो गया ना नीचे पड़ते इसकी चलम दूर जा पड़ी मैं से पापा का हंसी लगान लग गई मैं कहा चल हम कौन लेगा इसकी कौन लेगा बरन खातर फिर सारे हंस लग गए तो भाई बालकनी में चले जावा हम तो इतना सामान नहीं दिखता तड़की सांझ सबर नहीं होता बाकी निधि का आड़ है ज़्यादा गोरी यार ये बाहर की अपेक्षा है बड़ी पीछे हो थोड़ी सी हाँ ये सही आई और ये मेरे कपड़े यहाँ टंगे रहे वाशिंग मशीन रखी है यहीं पे ये मैंने ढक रखी बस आड़े एक दिक्कत है कबूतर आ जाए वाशिंग मशीन पर काम ख़त्म कर दे हैं फिर मैंने साफ़ करना कबूतर आ जाए कबूतर के लिए ये भी लगा रखे हैं ये चुप देसी फिर भी कबूतर आने तो नहीं हटते कबूतर आते हैं यहाँ आते हैं यहाँ चलते हैं कबूतर ना तो ये बार बार याड़े आवे हैं ये देखो कबूतर के करे उड़ काम